सत्ता के महासंग्राम की आज बात करेंगे, जहां पर हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए विधानसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में उपचुनाव है, तो महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कुल उम्मीदवारों की संख्या आपको बता दें, जहां पर 3,237 उम्मीदवार जिनकी भाग्य का किस्मत का जो फैसला है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा की बात करें, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें, तो यहां पर 90 सीटों पर कुल उम्मीदवार जो है वो 1,169 है, तो हरियाणा और दूसरी तरफ महाराष्ट्र। इसके साथ ही 17 राज्यों के कई सीटों पर भी उपचुनाव आज होने हैं, जहां पर 7 बजे यानी कि वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो वहां पर शुरू हो चुकी है। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं, लेकिन इस बार यहां पर ये देखना होगा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बंपर जीत यहां पर हासिल की थी मोदी सरकार ने, लेकिन अब जो अग्नि परीक्षा है वो आज यहां पर होने वाली है, क्योंकि सीधे लोकसभा चुनाव के बाद यहां पर विधानसभा चुनाव है और उसमें देखना होगा कि यहां पर किस किस पार्टी की किस्मत चमकने वाली है। तो हरियाणा की बात करें, 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 1,169 मतदाता जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा, इनके भाग्य का फैसला यहां पर तमाम राज्यों की जनता यहां पर करने वाली है। इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां पर 288 सीटों पर चुनाव है, जिसमें 3,237 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है।